आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है भौतिक विज्ञान कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा पीएन कोड पूर्णांक 70 समय 3 घंटे सेट 4 होगा। हमारे चैनल में जितने सेट पड़े हैं पहले एक बार देख लेना, कंप्लीट कर लेना। और पीएन कोड का बहुत डिमांड है, कई बच्चों ने कहा सर पीएन कोड का भेजिए, पीएन कोड का भेजिए सभी पेपर, यही शायद कुछ विद्यालयों में बच्चों ने किया है। तो मैं यही कहूँगा कि सभी सेट आप देखेंगे किसी न किसी विद्यालय में, जहाँ जिस जिले से होंगे, ऑल इंडिया के बच्चों के लिए हमारे क्वेश्चन पेपर रामबाण है। अगर आपके सर जी मार्केट से क्वेश्चन पेपर लाए होंगे तो जहाँ जिस दुकान से लाए होंगे, मैंने बड़ी बड़ी दुकानों से सबसे खरीद लिया है और यही क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ पहुँचेगा। बिल्कुल बहुत कमेंट आ रहे हैं सर यही क्वेश्चन आया है P1, कई 6, 7, 8 में तो जान रहे हैं 6 से 12 तक बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ, चौथा सेट चल रहा है, सभी के बच्चे खुश हैं। अब अगला क्वेश्चन देखना, आप पेपर देखिए लेकिन अधिक से अधिक शेयर करना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप न करना और अधिक से अधिक शेयर करना, यही आपका हमारे लिए फीस है समझ लीजिए। खंड आ सभी प्रश्न अनिवार्य है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश ई तथा द्रव्यमान एम है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, इसका त्वरण ई अपान एम फिर यम अपान ई अपान एम चारों विकल्प है, जो विकल्प सही हो लिखेंगे। वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 धनात्मक बिंद आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा है 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.9 जूल, 1 जूल, 9 जूल। तीसरा विकल्प गप क्वेश्चन लेते हैं, एक बैटरी जिसका बी वल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है, यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता है 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 4.6 वोल्ट, 4.2 वोल्ट। आवेश क्यों एक समान चुंबकीय क्षेत्र तीर बी के समांतर वेग वी से गति कर रहा है, आवेश पर लगने वाले बल का मान है Q पावर P Q पावर B 0 BV/Q। चुंबकीय विद्युत अघूर्ण का मात्रक है विद्युत अपान एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर घाते 2, वेबर मीटर घाते 2, देख रहे हैं आर लिखा है। हेनरी लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुसार उत्पन्न होता है, आवेश संवेग ऊर्जा द्रव्यमान। खंड बा विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व का सूत्र लिखिए, यल से आर परिपथ के शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए, एक हेनरी स्वप्रेरक तत्व को परिभाषित कीजिए, एक धारा मापिक को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, विद्युत चुंबक किसी अस्थायी चुंबक से किस प्रकार भिन्न होता है। बिल्कुल देख रहे हैं पेपर पूरा दिखाई दे रहा है। अगला किसी चालक किस चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व रेखा मतलब तीर का चिन्ह है जे में क्या संबंध है, सा कूलाम का वैद्युत बल्ब संबंधी नियम लिखिए। देख रहे हैं ना वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, देख रहे हैं ना एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, शेयर अधिक से अधिक शेयर करना है चैनल को। अगला है किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, RC की विमीय समीकरण निकालिए जहाँ भी प्रतिरोध तथा सी धारिता है, धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित मुक्त वेग और उनके अनुगमन वेग में क्या अंतर है, एक धारा मापी में 30 विभवांतर हैं तथा उसकी धारा संवेदिता 20 UA प्रति विभाजन। देख रहे हैं ना आगे PTO लिखा गया, प्लीज आपको पूरा पूरा वीडियो फिर से देख लीजिए एक बार, अगर पेपर में आपको कहीं तिरछा कोनी करने में ना दिखाया हो कोने में, देख रहे हैं ना किनारे अगर आपको ना दिखाई दिया हो तो पूरा देख लीजिए, PTO लिखा गया, प्लीज टर्न ओवर। आप पेपर पलट रहे हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, देख रहे हैं ना वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगला इसमें है भाई क्या देख लीजिए, एक धारा मापी 30 विभवांतर है तथा उसकी धारा समेकता 20 UA प्रति विभाजन आगे है, इसका प्रतिरोध 20, देख रहे हैं ना चित्र जो बना है विज्ञान का है, तो इसे LA तक पढ़ने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, दाखंड से है। विद्युत द्विध्रुव के अच्छी रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए, 2 बिंदु आवेश
प्लस 9E एवं प्लस E एक दूसरे से 116 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश क्यों कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा से संबंध स्थापित कीजिए। चुंबकीय विद्युत आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। सिद्ध कीजिए कि निरीक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत माइनस विभव शून्य होता है। प्रतिदर्शित कीजिए कि न्यूटन अपान कुलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर ही एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। यम द्रव्यमान तथा क्यों आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कण द्वारा अर्जित वेग वी बराबर √2qED/m है। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक बताइए। धारावाही लंबो परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। प्रतिवर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य से मूल मान की परिभाषा लिखिए। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण वी बराबर 300√2sin500/π वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति की गणना कीजिए। पूरा दिखाई दे रहा होगा, देख रहे ना। खंड या स्थिर वैद्युत में गास नियम को लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम नियम का निगमन कीजिए। समान आवेश घनत्व की दो विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार रखी हैं। बिंदु P एवं Q पर द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना, चित्र बना हुआ यहाँ से, यहाँ देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा। किसी समांतर पट संघारित की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो तो संघारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। देख रहे हैं ना, एम्पियर परपथीय निगमन की सहायता से किसी धारावी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। चुंबकत्व के पराकरणीय मॉडल के आधार पर लौह चुंबक की व्याख्या कीजिए। देख रहे हैं ना, अथवा करके था। नौवां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नौवां क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें प्रचलित लौहे क्रोड का क्या महत्व है। एक कुंडली 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 20 एम्पियर धारा तथा 220 वाट शक्ति लेती है। कुंडली का प्रतिरोध तथा प्रेरक तत्व ज्ञात कीजिए। देख रहे ना, भौतिक विज्ञान देख रहे ना पूरा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।